Hello students, today we will start exercise 10b of chapter 10 Pythagoras theorem from S. Chant. First sum, Pythagoras theorem though, all of you know very well now the first sum of exercise 10b a b c d is a square first of all draw a square a b c d is a square prove that a c square is 2 times a b square given a b c d is a square a b c d kiakor square okay to prove a c square is double of a b square this one we have to prove proof first of all each angle of square is of 90 degree then this angle this angle this angle and this angle is 90 we have to take this right angle triangle in Right angle triangle ABC. Angle B is 90. Apply Pythagoras' theorem. The side opposite to 90 degree angle is the hypotenuse. AC square is equal to AB square plus BC square by using Pythagoras' theorem. AC as like AB as like now BC.

Now the second sum. In figure, figure is given. A B B C C A it means equilateral triangle is there. A B B C C A is equal to 2A. A B kill length 2A beta. B C K length 2A and A C is also 2A.

शो क्या करना है वी हैव टू प्रूव टू थिंग्स फर्स्ट इज ए डी इज इक्वल टू ए रूट थ्री एंड द सेकेंड वन इज एरिया ऑफ ट्रगल एरिया की शॉर्ट फॉर्म स्मॉल ए आर ऑफ ट्रैंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट थ्री दिस वन वी हैव टू प्रूव प्रूफ सिंस ए बी

टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी तो बीसी uh, को बी uh, और सी आपस में इक्वल पूरे के हाफ के इक्वल होंगे ना दैट मीन टू एपॉन टू बीसी की लाइन टू ए गिवन है वी वी गेट गेट नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एडीबी नाउ इन ट्रगल ए डी बी एबी स्क्वायर हाईपोर्ट न्यू स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर रीजन पाइथावरस अब ए बी टू एक्वायर एडीड बी डी ए टू ए स्क्वायर इज फोर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बिकॉम माइनस जब इसको ए स्क्वा को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा किसके इक्वल एडी स्क्वायर के थ्री ए स्क्वायर इज एडी स्क्वायर

दो फॉर्मूला से हैं, चाहे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो चाहे रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर लगा दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा रहा हूं बच्चे मैं हाफ बेस मेंल्कुलेट ए रूट थ्री ए रूट थ्री टू से टू कैंसल ए इंटू एर रूट थ्री दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए हो गया फाइन यही बच्चे हमने प्रूव करना था नाउ थर्ड सम क्वेश्चन नंबर थर्ड इन फिगर टेन पॉइंट टू सेवन ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन ड्रॉ द फिगर A B C D. This angle is 90 degree. This angle is 90 degree. Given in the given figure angle in quadrilateral ABCD, angle D is ninety and angle B is ninety. And nothing else is given. To prove A B square. माइनस एडी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर माइनस सीबी दिस वन वी हैव टू कंस्ट्रक्शन वी हैव टू ज्वाइन डायगनल ए सी डायग्नल एसी को बच्चे ज्वाइन कर लो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एसी प्रूफ बच्चे It's so easy nothing is in this one in this right angle triangle 90 degree angle is at b by using pythagoras theorem in right angle triangle abc ac square become equal to ab square plus bc square square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides first equation reason ंगल ट्रॉरी नाउ इन राइट एंगल ट्रैंगल एडीसी ए सी स्क्वास अगेन नाइनटी के अपोजिट ए सी इज दाई पॉट न्यूज इन दिस ट्राइंगल जहां पर दो टिक्स लगा दी प्रॉपर लिखा भी एंगल एडीसी यहां पर यह भी मैंशन कर दो एंगल बी नाइनटी यहां पर यह भी मैंशन कर दो एंगल डी नाइनटी

राइट साइड इज आल्सो इक्वल ना जब लेफ्ट साइड इक्वल होगी ए स्क्वायर इसके भी इक्वल है एसी स्क्वायर इसके भी इक्वल है मींस लेफ्ट साइड इक्वल देन राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल नाउ ए बी ए डी को बच्चे इस साइड ले जाओ बी सी को उस साइड ले जाओ ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस का है इस साइड आके माइनस का हो जाएगा सी डी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर बिकम माइनस

जैसी मर्जी बना लो डेडी में डी एन ट्राइंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब दिस एंगल इज 90 व्हाट वी हैव टू प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर सेम एज लाइक दैट वन गिवन एन ट्राइंगल एबीसी एडी टू बी सी टू प्रूफ ए बी स्क्वल टू ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्वायर प्रूफ बच्चे अब यहां पर दो राइटेंगल ट्रैंगल है ट्रैगल एडीबी एंड एडीसी विथ साइड इज कॉमन इन दीज टू ट्रैंगल्स एडी

सेम मैथड इन दिस राइट एंगल ट्रैंगल नाउ इन राइट एंगल ट्रगल एडीसी ए सी स्क्वासर एसी स्क्वायर एंड सी डी स्क्वायर पच्चे साइड आके माइनस बिकॉज मुझे एडी स्क्वायर चाहिए था दोनों साइड पे पे भी, भी देखो मैंने सर्कल कर दिया इसको सेकंड इक्वेशन यहां पे भी सर्कल कर दिया राइट right साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट साइड क्या होगी इक्वल सेम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए बी माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर एज लाइक सी डी स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर उस साइड जाके प्लस हो जाएगा यही बच्चे हमने प्रूफ करना था ये देखो प्रूफ क्या हो गया प्रूफ हो गया बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर फाइव कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव जस्ट वेट फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चे हमारे पास क्या है इन क्वाडिलेटरल ए बी सी डी द एसी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल क्वारिलेटरल जैसी मर्जी बना दो ए बी सी डी डायगनल एसी एंड बी डी इंटरसेक्ट बोला है बाइसेक्ट नहीं बोला

ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर दिस वन वी हैव टू डू. व्हाट वी कैन बच्चे नाइंटी uh, डिग्री अब ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर स्क्र ओसी स्क्वायर प्लस ओडी राइट एंगल में इन ट्रगल स्क्वायर फाइंड कर लो किसके इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर नाइनटी के अपोजिट ए बी हो गया इक्वेशन वन पाइथागोरस थ्योरम सेम वे इन दिस राइट एंगल ट्रैंगल इन ट्रैंगल सीओ सी डी स्क्सके से हम अब इन दोनों में क्या चाहिए था एबी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर चाहिए था ना दोनों को एड कर दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग इक्वेश first and second left side kagi which is a b square plus cd square right side kagi oa square plus ob square plus od square plus oc square take it as equation number third now same way in this right angle triangle and in this right angle triangle in right angle triangle aod you can find a d square in right angle triangle boc you can find bc square

Take it equation equation, number sixth. Uh, fifth and sixth equation. Uh, sorry third. Third equation में ये देखो जो मैंने box में कर दिया What is this? OA, OB, OC, OD. Same. OA. बस आगे पीछे addition में आगे पीछे हो सकता है OB, OC, OD. From equation third and fourth. क्या लिखेंगे हम

In right angle triangle ABC, angle B is 90, and second one is BD is equal to CD. Yeh given. Hai. To prove, first part AC square is AD square plus three CD square, and the second part BC square. फोर टाइम एडी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर दिस वन वी टू प्रूफ प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी ए डी भी चाहिए एंड सी डी भी चाहिए तो ए सी कौन सी राइट एंगल लेफ्ट साइड में क्या है ए सी ए सी कौन सी राइट एंगल ट्रैंगल में एबीसी में ना इन राइट एंगल ट्रैंगल ए बी सी 90 के अपोजिट नॉट ए डी ए सी लेना है क्योंकि ट्रायंगल कौन सी ली है एबीसी ली है एंगल बी 90 तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा ना यस और नो पाइथागोरस ए सी को सेफ रखना है क्योंकि लेफ्ट साइड में चाहिए ए बी नहीं चाहिए ए बी स्क्वायर को इस स्मॉलर ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं बी क्या है पर है Minus लिख सकते हैं A, B को क्या लिख देंगे एडी स्क्स बी डी स्क्वायर बीसी को मैं चेंज करूंगा क्योंकि तो यहां पे रीजन प्रॉपर लिखना पड़ेगा इन राइट एंगल ट्रगल ए बी डी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर दिस वन वी है साइड पे लिखना पड़ेगा तो ए सी स्क्वायर ए डी स्क्र एज लाइक बी डी स्क्वायर एज लाइक बी सी कैन बी रिटर्न एज टू टाइम बी डी और टू टाइम सी डी टू टाइम सी डी लिख दें बच्चे बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन तो पूरी बी सी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है बी डी एंड सी डी तो टू टाइम बी डी और टू टाइम सी डी लिख सकते हैं बीसी को अकेला बीसी को स्क्वायर एज लाइक पढ़ा है मुझे सी डी चाहिए था जो प्रूफ करना है उसमें तो इसलिए मैंने सी डी लिखा एसी स्क्वायर ए डी स्क्वायर नाउ अगेन बी डी को बच्चे बी डी स्क्वायर था ना क्या लिख देंगे सी डी स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर फोर सी डी स्क्वायर वट वी गेट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस थ्री सी डी स्क्वायर ये बच्चे हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट बी सी स्क्वायर चाहिए किसके इक्वल फोर एडी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अब बच्चे इस राइट एंगल ट्रायंगल में से बीसी स्क्वायर फाइंड कर सकते हो यस और नो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बी सी स्क्वायर किसके इक्वल ए बी स्क्वायर माइन सॉरी नॉट ए स्क्वायर एसी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख दिया एसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये लिख सकते हैं दिस इज पाइथागोरस थ्योरम ना चैकेट बी सी बे स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्क्वायर माइनस क्योंकि हाईपोर्टन्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है बी सी स्क्वायर फाइंड करना है तो ए बी स्क्वायर उस साइड जाके माइनस हो जाएगा ना तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर वही लिखा है बच्चे मैंने अब ए सी की वैल्यू बच्चे मैंने फाइंड की थी ये फर्स्ट पार्ट में तो वो यहां पर फिल कर देंगे ए सी के प्लेस पे ए डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस सी सी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एज लाइक BC सेम सेफ चाहिए हमें राइट साइड में प्रूव करना है हमने दिस वन देखो ADB भी सेफ चाहिए और ABB भी सेफ चाहिए सिर्फ पंगा है सी डी का थ्री एज लाइक अब सी डी को बच्चे में क्या लिख सकता हूं बी सी अपॉन टू लिख सकता हूं ना तो ये सेम रहेगा सी डी को BC अपॉन टू लिख दिया होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर एज लाइक बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस थ्री बी सी स्क्वायर बाय फोर माइनस ए बी स्क्वायर फोर इज एलसी फोर एडी स्क्वायर प्लस थ्री बी सी स्क्वायर एज माइनस फोर ए बी स्क्वायर जिसके इक्वल यहां पे बी रहेगा फोर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया थ्री बी स्क्वायर है जो इस साइड आके माइनस हो जाएगा किसके इक्वल रह जाएगा फोर ए डी स्क्वायर माइनस फोर ए बी स्क्वायर अब फोर बी सी स्क्वायर माइनस थ्री बी सी स्क्वायर वी गेट बी सी स्क्वायर वट इज कॉमन हेयर फोर वी गेट ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर यहां पर बच्चे रीजन लिख देंगे हम सेंस बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन उसके बाद तो इसके नीचे कुछ नहीं था वन था इसके नीचे कुछ नहीं था वन था एलसी लिया है सोल्व क्रॉस मल्टीप्लाई किया यू गेट द आंसर ओके ये था हमारा सेकेंड पार्ट बच्चे नाओ क्वेश्चन नंबर सेवन इन क्वेश्चन नंबर सेवन इन ट्रैंगल द साइड बीसीक्र ए बी सीट इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ स्क्वा साइड बी सी तो बी यहां पे ले लो सी यहां पे, ए यहां पे, डी साइड बी सी इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट ई ई पॉइंट तक प्रोड्यूस की प्रूव दैट ए स्क्वायर ए को ज्वाइन किया ए स्क्वायर इज टू बी सी स्क्वायर सॉरी टू इंटू बी सी इंटू बीई बी सी इंटू बीई प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इन स्क्वायर एबीसीडी साइड कहां तक प्रोड्यूस किया ये नहीं बताया साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड अप टू ई टू प्रूव ए स्क्वायर इज टू टाइम बी सी इन बीई बी सी इंटू बीई बी इतना इंटू बीई पूरा का पूरा, पूरा प्लस सीई स्क्वायर साथ में सी स्क्वायर चाहिए सो इजी प्रूफ देखो लेफ्ट साइड में क्या है बेटा हमारे पास ए है ना ए कौन सी राइट एंगल ट्रैंगल में आ रहा है ए e में इन राइट एंगल ट्रैंगल ए ए स्क्वायर किसके इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर रीजन पाइथागोरस थ्योरम ए को ऐसे रख लेने दो क्योंकि सेफ चाहिए हमें जो चीज प्रूव करनी है उसमें सेफ चाहिए ए बी को क्या लिख सकते हैं देखो बी सी वो भी इसका पार्ट है बीई e, वो भी इसी में है सीई e, वो भी इसी में है ए तो बी को मैं बच्चे बी सी लिख सकता हूं बी सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर सेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल रीजन क्या आएगा ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल नाउ ना एज लाइक बी सी को बच्चे बी सी स्क्वायर रहने दो प्लस बी -E को क्या लिख -E okay. -E -E सकते हैं बीई सेफ चाहिए था ओके चलो बी को बी सी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बी सी प्लस सीई का होल स्क्वायर बीई को तो उठकर लिख दिया बी स्क्वायर था ना तो बी -E को बी सी प्लस सीई लिख दिया देखो ध्यान से देखो बीई -E. तो सी प्लस सीई करके ही बी बीई -E बन रहा है ए स्क्वायर एज लाइक बीसी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्न करो बीसी स्क्सर प्लस टू टाइम बी सी इन बीसी स्क्वायर सेफ चाहिए था टू बी सी इंटू बीई नहीं चाहिए था तो क्या करो एक काम करो ये पहले रहने दो इसको पहले लिख दो ऑर्डर चेंज कर दो आगे पीछे कर दो बस प्लस सी एज लाइक फर्स्ट टू में बच्चे क्या कॉमन है टू बी सी कॉमन है वट इज लेफ्ट बीसी प्लस सीई प्लस सी स्क्वायर एज लाइक टू बी सी प्लस सीई फिगर में देखो क्या बन गया बीई बन गया बी सी एज लाइक इन दोनों की एडिशन क्या बन गई बीई स्क्स हो गया प्रूफ यही बच्चे हमने प्रूफ करना था सिंपल एनफ ना एट सम इम्पोर्टेंट वन ए बी सी डीज री सी डीजा रोम्बर्स प्रूफ दैट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज फोर टाइम ए बी स्क्वायेर गिवन A B C D is a rhombus. Is a rhombus to prove A C square plus B D square square sum of square of diagonals, that means is equal to four times the side square, A B square. Proof. We know that. डायग्नल ऑफ रॉम्बर्स बाइसेक्स इच अदर एट नाइंटी डिग्री यहां पर ओ पॉइंट ले लो बाइसे एट नाइंटी डिग्री मींस एओ सीओ की इक्वल बी ओ डीओ की इक्वल एंड दीज ऑल द फोर एंगल्स आर ऑफ नाइंटी डिग्री मीन्स एज इक्वल टू सीओ बीओ इज इक्वल टू डी ओ एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी दिस वन नाओ बच्चे दो मैथड है एक मैथड तो है चारों ट्रैंगल अलग अलग लेके एक मैथड है ये सिर्फ एक ट्रैंगल उठा के कोई भी चारों में से इन right राइट एंगल ट्रैंगल ए बी एंगल एओ बी इज नाइनटीन आई पाइथावरम स्क्वायर किसके इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर रीजन पाइथागोरस ए बी अब फोर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई विद फोर ऑन बोथ साइड्स विद फोर ऑन बोथ साइड्स या मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद फोर जैसे मर्जी लिख दो अपनी लैंग्वेज में ए बी स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम ओ ए स्क्वायर प्लस फोर टाइम ओ बी स्क्वायर अब ए ए बी बी स्क्वायर को मैं बच्चे ए बी स्क्वायर सॉरी इसको तो ऐसे ही रहने दो सॉरी फोर ए बी स्क्वायर स्क्वा तो sorry, इसको मैं टू टाइम ओ ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको बच्चे टू टाइम ओ बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं फोर टाइम ए बी स्क्वायर टू स्वयर एज फोर फोर ओ ए है गड़बड़ होगी सॉरी फोर ए बी एज लाइक रहेगा मैसेज आ गया उसमें ध्यान हो गया थोड़ा सा ए का डबल क्योंकि तो ए ओ सी ओ की इक्वल है डबल ऑफ क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा ना इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड डबल ऑफ ओ बी ओबी का डबल बी डी बन जाएगा सेंस यहाँ पे साथ में रीजन लिख देना सेंस एओ इज इक्वल टू सीओ एंड बीओ इज इक्वल टू डीओ प्रूव्ड अबव क्या लिखेंगे इसका रीजन प्रूव्ड अबव तो ये हमारा बच्चे एट सम कंप्लीट हो गया यही हमने प्रूव करना था कि ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज फोर टाइम ए बी स्क्वायर नाउ 9th सम फिगर इज गिवन

ए सी स्क्वास इजिकल टू ए बी स्क्वास बीसी स्क् माइनस टू बी सी सी बी डी इट सो इजी प्रूफ लेफ्ट साइड देखो बच्चे क्या है ए सी है ना तो ए सी कौन सी राइट एंगल ट्रैगल में आ रहा है इस राइट एंगल ट्रैंगल में इन राइट एंगल ट्रैंगल ए डी सी ए सी स्क्वायर किसके एक को लोग ए सी नाइप है ना नाइनटी के अपोजिट है किसके होगा डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की इकोलोग ए सी को सेफ रखेंगे एसी का कुछ नहीं करना हमने ए सी को ए सी रखेंगे अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं ना बाय यूजिंग पाइथागोरस सी डी एज लाइक यहां पे साथ में रीजन इन राइट एंगल ट्राएंगल ए डी बी ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ए सी एज लाइक ए बी एज लाइक माइनस बी डी को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं बीसी माइनस सी डी का होल स्क्वायर बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर एज लाइक देखो बी डी पूरे बी सी में से मैं सी डी माइनस करूं तभी बी डी आएगा ना तो बी डी को मैंने लिख दिया This one. या सी डी को भी लिख सकते थे बी सी माइनस सी डी का होल स्क्वायर बी डी का होल स्क्वायर जैसे मर्जी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर यहाँ से माइनस का BC स्क्वायर आ जाएगा है ना एक काम करो रहने दो सी स्क्वायर ऐसे सी रहने दो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर रहने दो सी डी की वैल्यू फिल कर दो सी डी को क्या कर सकते हैं बी सी माइनस बी डी सी डी नहीं चाहिए ना इसमें तो बी सी माइनस बी डी बी डी तो चाहिए था ओपन करो ए सी स्क्वायर एज लाइक ए बी स्क्वायर एज लाइक बी डी माइनस बी डी स्क्वायर एज लाइक इसको ओपन किया ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू बी सी इंटू बी डी बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्सल ए सी स्क्वासी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी डी यही बच्चे हमने प्रूफ करना था Hence, हो गया प्रूफ ये था क्वेश्चन नंबर नाइन नाउ द क्वेश्चन नंबर टेन इन ए क्वारेटरल ए बी सी डी एंगल बी इज 90। जैसी मर्जी बना लो डेडी मेडी मैंने वैसी कर दी एंगल बी नाइनटी लेना था बस और क्या गिवन है गिवन एक तो एंगल बी नाइनटी और क्या गिवन है ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर गिवन है वी हैव टू प्रूव एंगल ए सी डी नाइनटी ये वाला एंगल जो मैंने मार्क किया है इसको नाइनटी प्रूव करना है एंगल ए सी डी इज नाइन प्रूफ इस राइट एंगल ट्राइंगल में से बच्चे ए बी स्क्वायर प्लस एसी बी सी फाइंड कर लो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ए बी स्क्वायर प्लस लिख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन वन रीजन पाइथागोरस थ्योरम नाउ यहां पे देखो बच्चे हमारे पास क्या है जो गिवन है वो लिख लो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर सेकेंड यहां साथ में क्या आएगा गिवन अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये रहा फर्स्ट इक्वेशन में सी स्क्वायर वैल्यू फाइंड किया है ना यहाँ पे एक लाइन कैसे लिखनी है पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू एडी एज लाइक रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है एसी स्क्वायर तो यहाँ पे इस प्लेस पे क्या आ जाएगा ए सी स्क्तर आ जाएगा प्लस सी डी स्क्वायर अब कन्वर्स ऑफ थ्योरम में क्या हैगा दी एक साइड का स्क्वायर सम ऑफ द स्क् ना बाई यूजिंग कन्वर्ट ऑफ पाइथोर थियोरम बाई यूजिंग कन्वर्स मतलब एक साइड का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर एंगल एडी ए सी डी इज नाइन हो गया एक साइड का स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर टू साइड आ गया ना एक साइड कौन सी है एडी एडी के सामने एंगल 90 होगा तो ये 90 एंगल प्रूफ हो गया यही बच्चे हमने टेंथ सम में प्रूफ करना था नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम ओनली आई थिंक ट्वेल्थ देयर ओके वन बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चे ये यहां से परपेंडिकुलर है इस साइड को सी गिवन है ये ए डी को स्मॉल पीक दिया हुआ है उन्होंने ये बी गिवन है और एक सेकंड इज द लेंथ ऑफ रिमाइंडर सो दैट पी ए बी सी को बच्चे ए लेंगे सी डी ए नहीं है ये पूरी साइड बी सी ए है ए बी सी हैव देयर यूजुअल मीनिंग कैपिटल ए के अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए होती है कैपिटल बी के स्मॉल बी कैपिटल सी के स्मॉल सी साइड होती है ये 90 दिया हुआ है

पी ज देंथ ऑफ यहां पे ये भी लिखना पड़ेगा एंगल बी एसी नाइन शो दैट पी ए पी इंटू ए इज इक्वल टू बी इंटू सी पी ए इसके इक्वल बी इंटू सी के इक्वल प्रूफ़ करना है देन वट वी कैन डू क्या कर सकते हैं बच्चे हम इस बच्चे सिमिलैरिटी यूज होगा ये स्मॉलर ट्रायंगल पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर करनी है एंगल बी एंगल बी कॉमन होगा और 90 इस 90 के इक्वल होगा इन ट्रायंगल टेंथ में आएगा बच्चे ये टॉपिक एक पता नहीं क्यों डाल दिया इन्होंने ये वाला इन ट्रायंगल बी डी एंड बी ए सी एंगल बी बड़ी ट्रायंगल के एंगल बी के इक्वल है दिस इज कॉमन इसका ये वाला एंगल BDA 90 है और बड़ी ट्रायंगल में एंगल BAC 90 है Eच 90 सिमिलर का क्या होता है कि दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है BDA सिमिलर हो गई ट्रायंगल BAC के बाय AA रूल ट्रायंगल सिमिलर तो इनकी साइड क्या होंगी प्रोपोर्शनल इक्वल BD साइड नहीं गिवन कुछ भी नहीं है BA या AB थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट

बीसीजिकल टू ए पी आ गया यही बच्चे हमने प्रूव करना था बी सी इजिकल टू ए पी या पी ए दिंग ना यहां से बच्चे सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए ए की वैल्यू निकाल लो क्योंकि सेकेंड पार्ट में ए नहीं है जो सेकेंड पार्ट प्रूव करना है ना यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेकेंड पार्ट वन अपॉन पी स्क्र वन अपॉन बी स्क्र प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर है ना तो ए की वैल्यू नहीं है इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट प्रूव करना है तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो क्या आएगी बीसी अपॉन पी आएगी ना नाओ यहां पे सॉल्व कर दू 90 है ना इन राइट एंगल ट्रैंगल बी एसी बी एसी में बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ना 90 के अपोजिट ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया बड़ी ट्राइंगल में बाई यूजिंग थ्योरम BC की स्क्वायर ए बी की लेंथ c है, a, c की B है. जो a की वैल्यू यहाँ पे ये यह फाइंड की थी वो यहां पे फिल कर दो BC अपॉन P का होल स्क्वायर, C square plus B स्क्वायर एज लाइक B square, C स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर किसके इक्वल बच्चे C स्क्वायर प्लस अब स्क्न अपॉन पी स्क्वायर इस साइड ये प्रूव करना है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने प्लेस पे है जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर था वो कहाँ चला गया नीचे चला गया अब वन अपॉन पी स्क्वाज लाइक ऊपर सिंगल टर्म है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है इस साम में बट दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसल वो गैट वन अपऑन बी स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्र कैंसल वो गैट वन सी स्क्वायर यही बच्चे हमने प्रूव करना था ये चीज ये क्या करनी थी हमने प्रूव करनी थी हो गई ये था क्वेश्चन नंबर इलेवन नाउ द ट्वेल्थ सम ऑफ दिस चैप्टर उन्होंने बच्चे किसी और मेथड से किया है मैंने और मेथड से कर दिया सिमिलर से ये वाला सम हिंट दिया हुआ है वैसे भी कर सकते हैं और सिमिलर का यूज करके भी कर सकते हैं ट्वेल्थ सम इन द गिवन फिगर एंगल बी इज अक्यूट एडी इज पर पेंडिकुलर ए बी सी एडी पर पेंडिकुलर की बन है बी डी पे एक्स लिखा हुआ है बच्चे यहां पे ए माइनस एक्स लिखा हुआ है मीन्स पूरी साइड ए होगी ना यहाँ सी लिखा हुआ है यहां एच लिखा हुआ है ए डी पे और यहां पे बी लिखा हुआ है गिवन AD और पैंडिकुलर टू बी सी टू प्रूफ बच्चे हमने टू पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है बी स्क्वायर इंजिकल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स सेकेंड पार्ट में बी स्क्वायर किसके इक्वल करना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स के प्रूफ बी इस राइट एंगल देखो लेफ्ट साइड में क्या है बी इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी स्क्वायर फाइंड करो इन राइट एंगल ट्रायंगल जो देखो जो चीज प्रूफ करनी है ना उसके लेफ्ट साइड देख लिया करो मोस्टली नॉट ऑलवेज मोस्टली ए सी स्क्वायर किसके इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ना हाईपोर्ट न्यूज नाइनटी के अपोजिट हाईपोर्ट न्यूज है पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बे स्क्र बाई यूजिंग ए सी बी है ए डी एच है ओपन करो बच्चे बी स्क्वायर एज लाइक एच स्क्वायर एज लाइक ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स यही हमने प्रूव करना था देखो एच भी नहीं था इस पार्ट में चाहिए, चाहिए, ना नहीं चाहिए, इस राइट एंगल ट्रैंगल में तो इसको बच्चे मैं ऐसे कर दूं थोड़ा सा एक मिनट प्लस साइन पता नहीं कैसे डल गया ए स्कवायर को पहले लिख दिया एच स्क्वायर को इसके पीछे लिख दिया एडिशन में आगे पीछे कर सकते हैं ना सिंपल है ना यहाँ फिगर में देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है सी स्क्वायर बन रहा है हो गया ए स्क्वायर एज लाइक सी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स यहाँ पे साथ में रीजन क्या लिखेंगे in right angle, triangle, ABD, ADB. क्या चाहिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बे स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल है ना वो इसमें वैल्यू फिल कर दी तो इस सम हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया छोटा सा सम था लास्ट वाला इसमें सिर्फ इलेवन uh, सामी था जो थोड़ा सा टेढ़ा था तो ये एक्सरसाइज मींस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया किसी को भी कोई डाउट है ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन सेवन डबल जीरो नाइन फाइव जीरो नाइन सिक्स सिक्स नाइन पे कॉन्टेक्ट कर सकता है ऑल्सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे ये वीडियो उतनी ज़्यादा ऊपर आएगी ठीक है और ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा और ये वीडियो बहुत अच्छी बनी है थैंक यू हैव अ नाइस